केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मोदी सरकार के बजट को देश के विकास को गति देने वाला बजट बताया। गडकरी ने कहा कि रिफॉर्मेटिव बजट है। गडकरी से एनडब्ल्यूआई संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने खास बात की। देश का बजट आ चुका है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी, इनसे बात करते हैं। बजट आ चुका है, इस पर अगर आपकी प्रतिक्रिया पूछें तो क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके का बजट है? देखो, प्रधानमंत्री का जो मिशन है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को इंडिया को बनाना है, तो उसका रोड मैप फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है। पर यह प्रेजेंट करते समय अर्बन और रूरल इकोनॉमी में समन्वय साधा है। एक तरफ बाम्बू मिशन, ब्लू इकोनॉमी, हनी की इकोनॉमी, सोलर चरखा, इसके लिए प्राधान्य है। दूसरी ओर 100 स्किल ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट हम बना रहे हैं, उसको मदद की गई है। और दूसरी ओर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ई व्हीकल को भी कैसे मैन्युफैक्चरिंग में प्रोत्साहित करें, चार्जिंग स्टेशन की नई टेक्नोलॉजी, लिथियम आयन बैटरी की टेक्नोलॉजी देश में कैसे लाएं, इसका भी विचार किया गया है। अर्बन रूरल इकोनॉमी का समन्वय साधते हुए, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करते हुए, इस देश की विकास को एक नई दिशा देने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप में इस 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी और हम लोग कामयाब होंगे और वर्ल्ड की अच्छी इकोनॉमी बनेंगे। देश का सबसे बड़ा जो टैक्स पेयर है मिडिल क्लास, वो इंतजार में था कि उसके लिए कुछ खास होगा, लेकिन इस बार भी कुछ खास उसे हासिल नहीं हुआ। क्या आपको लगता है कि अक्सर ही मिडिल क्लास वालों के साथ थोड़ा सा भेदभाव? बताइए, रोड बन रहे हैं, ये इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, इसमें मिडिल क्लास उसके ऊपर नहीं चलेगा? जैसे मैं आपको पूछता हूँ, आप में से सभी पत्रकार मुझे बताए, वो NH 24 से उनका घर है, यहाँ आते जाते हैं, सबने कहा कि मेरा 1 घंटा सुबह का और 1 घंटा शाम का कम हुआ। तो इसका मतलब 2 घंटे आपके जीवन के रोज कम हुए, तो मिडिल क्लास करके जो पत्रकार है उनका रोज का फायदा नहीं हुआ? प्रदूषण से मुक्ति नहीं मिली? देखिए, ओवरऑल देश के विकास में जो इम्पैक्ट होता है उसका फायदा सबको होता है। और अगर हमको अगर देश को आगे ले जाना है तो जो दे सकता है उससे लेना चाहिए और जिसके पास नहीं है उसको देना चाहिए। इसके अलावा सर, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल पर 1 रुपए का सेस बढ़ाया गया है, क्या आपको लगता है कि इससे महंगाई पर असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं बढ़ा है। एक्चुअली देखिए तो इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस कम हुई है उसमें प्राइस कम करने के बजाय वो 2 रुपए एडजस्ट किए गए हैं। तो 1 रुपए जो है सेस है पेट्रोल डीजल पर, वो रोड सेक्टर के लिए है, CRF के लिए, सेंट्रल रोड फंड के लिए। और 1 रुपए जो है वो एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है। और जो रेट कम करने के बजाय, रेट उतने ही रहेंगे, कोई चार्ज नहीं रहेगा, पर इस 2 रुपए में देश के विकास में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि सब कुछ पुराना है, बस नए तरीके से पेश किया गया है। देखो, कांग्रेस पार्टी चुनाव में पिटी गई है, फ्रस्ट्रेट है, निराश है, और इसलिए अब वो कोई जिम्मेदार स्टेटमेंट नहीं करते। वो खुद सीरियस नहीं है तो आप उनको सीरियसली क्यों लेती हो? वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन शिवराज सिंह के साथ ममता चतुर्वेदी, न्यूज़ 12 इंडिया, दिल्ली।